गलती कहाँ रह गई? माँ बाप बहुत अच्छे मिले। आयशा के पति आरिफ को गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोमवार को आयशा के पति आरिफ को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार किया गया है। 25 फरवरी को आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या की थी और वीडियो बनाकर बताया था कि पति कैसे परेशान करता है। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर साबरमती में कूदी थी आयशा। पुलिस ने पति को राजस्थान के पाली से गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी में 25 फरवरी को आयशा ने कूद कर जान दी थी। इसके बाद पुलिस को इस आत्महत्या मामले में अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात पुलिस ने सोमवार को राजस्थान के पाली से आयशा के पति फरार आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। आयशा ने नदी में कूदने से पहले एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था, जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। आप भी सुनिए आयशा का अंतिम वीडियो, जिसमें वो रो रो कर बता रही हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होती है। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो, नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। चल, मैं मोंटू को भेजता हूँ। हेलो, सुनो। हाँ। मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना, बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना, मॉम बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं को मॉम बस हुआ, बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। मैंने नहीं नहीं ना, कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी दीजिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलता तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस ना लगे। ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं मरना चाहती हूँ। बहुत हुआ, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से टेढ़ हो गई हूँ मैं। कब तक कैसे हूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाता हूँ, पापा कल जालौर जाते। नहीं पापा, अब लेट हो गया, पापा लेट हो गया, लेट हो गया। पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया उसको। शांति रात जी, मैंने अब नहीं जीना। सोनो,
अब नहीं जीना बेटा, सोनू मेरी बात सुनू मेरी बात सुनेगी पहले, उसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे। मैं जा रहा हूँ जा लो, मेरे को खाली मेरी तो ले, मेरी बात सुन ले बेटा, क्या तूने सुना ना मेरा? नहीं यार, मैं तुमको तकलीफ दूँ? कब तक तकलीफ दूँ? मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ रजी अलो का, मुबारक नाम है तेरे को अम्मा ऐसा रजी अलो की कसम है तेरे को, तू घर आई बच गई तो ले जाना, कर देना तू जा रहा हूँ। नहीं पप्पा, जागर जा रहा हूँ, कल कुछ भी कीमत सब सुलझा देता हूँ, बस तेरे को कलाम पार्टी कसम है देख। अब बस पप्पा, बस तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली जो मिल गए। नहीं पप्पा, अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा, वो दुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा, वो लोग मिल जाएंगे, कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मोंटू को भेजता हूँ, मेरी बात सुन, मैं मोंटू को भेज रहा हूँ, कहाँ पर है तू, कौन सी जगह पर है बता दी, रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा? पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी जिंदगी। सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन। तू वो बोलते केस नहीं किया तो मैं भी सोचता। हाँ तो मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा फिर भी मेरी जिंदगी में, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बाप भी आएगा, एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया, तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले, तो कुरान शरीफ की कसम है, तू घर आ जा बेटा। अब नहीं आ बेटा, समझती क्यों नहीं है, तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मारू, सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ, समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है, चल घर आ जा, चल नीचे कहा, कौन सी जगह, मैं मोंटू को भेजता हूँ गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को, बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? अपन एलिस ब्रिज के पास। हाँ है, हेलो। हाँ पप्पा। हाँ तो तू वहाँ से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ। हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को, आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल, कल जालौर जाता हूँ मैं, आ जा तू घर आ। 25 फरवरी को आयशा ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था। वीडियो में आयशा ने पति पर शोषण का आरोप लगाया था। आयशा का आरिफ से साल 2018 में शादी हुई थी। पुलिस ने आयशा के पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और जांच चल रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।